नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका त्रिपाठी और आप देख रहे हैं INS न्यूज। पालघर के बोईसर में ईद मिलाद उन नबी का कार्यक्रम बड़े ही उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर बोईसर के मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से एक जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस कादरी पार्क से होते हुए बोईसर जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। दरअसल यह कार्यक्रम हर साल हजरत मोहम्मद पैगम्बर साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं और तलवारबाजी का करतब देखते हैं। पेश है हमारे संवाददाता इलियास पठान की यह खास रिपोर्ट। सखी का है रास्ता वहाँ, सबकी भरती झोलिया वहाँ, सबकी भरती झोलिया वहाँ, सबकी भरती झोलिया वहाँ, सबकी भरती झोलिया। वो करे गरीब है, वो करे गरीब। आज वो समय ईदच्या निमित्ताने जुलूस मिरवणूक निघणार आहे, ती थोड्याच वेळात निघेल। मिरवणुकीकरता सर्व मुस्लिम बांधव अतिशय शांतप्रिय आणि शिस्तीत मिरवणूक काढली जाते। ज्या मिरवणुकीत सामील होणाऱ्या सर्व मुस्लिम बांधवांना माझ्यातर्फे पालघर जिल्हा पोलिसांच्या वतीने हार्दिक शुभेच्छा, ईदच्या पुनश्च शुभेच्छा। सर, आज बोईसर में ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, तो किस तरह से आप लोग मना रहे हैं, क्या तैयारी है? जश्न ईद मिलादुन नबी माशाल्लाह, बोईसर के जितने भी मुस्लिम लोग हैं, हर पाड़े के पूरे गांव में जितने भी मुसलमान हैं, सब लोगों ने माशाल्लाह कल रात को बड़ी रात मनाई। सुबह सादिक में हुज़ूर अकरम ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक का गुसूल शरीफ हुआ। सुबह ज़ियारत हुई, सलातो सलाम पढ़ा गया, न्याय तकसीम हुई। अभी दोपहर को 3:30 बजे माशाल्लाह पूरे गांव में हर जगह के लोग पूरे बोईसर से आए हुए और जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस मनाए गए। और उसके अंदर में हिंदू मुस्लिम सब भाई, सब कमेटी के लोग इसके अंदर में शामिल हुए और माशाल्लाह शानदार जुलूस का इंतज़ाम किया गया। और बाद नमाज मगरिब न्याज का भी इंतज़ाम किया गया है। सर, आज बोईसर में ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां है और क्या प्रोग्राम है आप लोगों को? आज के दिन हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे और उन्हीं की खुशी के मौके पर ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। और आप देख रहे हैं कि कितना हुजूम यहाँ पे आज निकला हुआ है, कम से कम 25-30 हज़ार लोगों का हुजूम यहाँ पे है। और पुलिस और प्रशासन का भी इंतजाम बहुत अच्छा है। और आपने भी जो यहाँ पे प्रोग्राम का कवरेज किया है, उसके लिए मैं आपका, प्रशासन का और आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। सर, किस तरह का प्रोग्राम आयोजित करते हैं आप? हमें इसे कहते राठी रिफाई, जो तलवार से खेलते हैं, झड़क भी निकलते हैं, लेकिन वो झड़प ऐसे है कि हम लोग सिर्फ हाथ लगा दें या फूल चबा के उनके झड़प में रख दें तो झड़प खत्म हो जाए। और जो उनका कर्म है, हमारे पीर मुर्शिद के भी हमारे सर पे साया है, तो हम लोग यही से प्रोग्राम करते हैं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इससे बड़ा अगले साल और बड़ा बड़ा प्रोग्राम करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम में हमें कामयाबी मिले और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज
ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया बोईसर में, किस तरह की आपकी तैयारियां रहती है, क्या इंतजाम रहते हैं? ये तैयारी तो हमारी लगभग 12 दिन पहले हो जाती है और ऐसे ईद मिलादुन नबी के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, जोश रहता है। इस साल में एक बार ऐसे जुलूस निकालते हैं और कोशिश ये करते हैं कि इंसानियत का मैसेज देना चाहते हैं हम लोगों में कि इस्लाम किसने सिखाया, हमारे पैगंबर ने क्या हमें सीख दी, उस हिसाब से ज़िंदगी अगर आदमी गुजारता है तो पूरी दुनिया में अमन और चैन फैल जाएगा। हम ये कोशिश करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवान हयात यानी उनकी ज़िंदगी के ऊपर 12 दिन तो हमारे वहाँ बयान होता है, तकरीर होती है, वहाँ पर उससे एक मैसेज मिलता है लोगों को, ज़िंदगी जीने की का किमिया मिलता है, एक डायरेक्शन मिलता है। हमको प्रशासन से बहुत अच्छी बंदोबस्त था, पुलिस लोगों ने भी हमको वो साथ दिया है, सरकार और गाँव वाले ने भी हमसे सब एकजुट होकर काम किया और बहुत मसाला ये प्रोग्राम रहा हमारा, आइंदा इससे भी और अच्छा हम करेंगे इंशाल्लाह।